शुरू करते हैं आई होप आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर सारी अपडेट्स आपको कंपनी लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलती रहेगी ओके ग्रेट तो आते हैं हम यस्टरडे वी स्टार्टेड कि भाई साहब कंपनी क्या होती तो है फिर हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी है शेयर उसके ट्रांसफरेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरा नोट कर लीजिए बी स्टडिंग हम स्टडी मटेरियल भी देख लेंगे कभी कभार नोट्स में से भी पढ़ेंगे और साथ में जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा वो भी आप नोट करते चलिए प्रॉपरली नोट करिए अच्छा जैसे मैंने लिखा है वैसे पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके नहीं ऐसे ही बॉक्स बनाता हूं ना फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूं तो वो अक्सर ही छोटा पड़ जाता है तो तू पहले टेक्स्ट लिख ले और जब टेक्स्ट लिख ले उसके आसपास बॉक्स बना दे फिर उन सारे बॉक्सेस को एक सर्कल से जोड़ दे इनफैक्ट आई विल तो इनकरेज कि आप मल्टी कलर पेंस भी यूज कर सकते हैं कुछ लोग तो दो तीन कलर के पेन लेकर के ही चलते हैं। बॉर्डर अलग कलर से बना ली टेक्स्ट अलग कलर से लिख लिया बस इसके आगे मत जाना सर मैं क्रेयॉन्स भी लाऊंगा ज्यादा हो जाएगा। लास्ट बेंच पे आप बैठे ना आप पीछे गेट बंद कर दो बेटा जरा पास वाले क्लासरूम में हमारी आवाज जाएगी नहीं तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी Okay, noted. Okay. Let's move on. Now, what are the various types of companies? So, on the basis of number of members, there are two types of companies. Name those two types private company and public company. On the basis of liability of members, there are three types of companies unlimited, limited by shares, limited by guarantee.

लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है तो ऑब्वियसली कैसी होगी विद शेयर कैपिटल है लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है तो इट मे बी विद शेयर कैपिटल इट मे बी विदाउट शेयर कैपिटल सर लेकिन अगर एक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो फिर वो बिजनेस कैसे करेगी अरे तो यार देखो दो बातें पहली बात तो अक्सर ऐसी कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई नहीं जाती और दूसरी बात बिजनेस करना भी हो उसको तो भी फंड प्रोक्योर करने के तो और बहुत सारे रास्ते होते हैं जैसे क्लब्स होते हैं तो क्लब्स में आपको लाइफ मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है फिर एनुअल मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है इसके अलावा भी तरह तरह के प्रोग्राम्स वो करते हैं उनसे पैसा कलेक्ट होता है उनको तो पैसा कलेक्ट होने के तो बहुत सारे तरीके हैं सो यू कैन इवन फॉर्म ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखने जाओगे ना तो कम से कम 95 परसेंट कंपनियां देश में कैसी है लिमिटेड बाय शेयर्स उसमें भी मैक्सिमम कंपनीज कैसी हैं प्राइवेट कंपनीज थोड़ी बहुत कंपनीज पब्लिक कंपनी भी है बट अगर आप ढूंढने जाओ लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनीज वेरी फ्यू इन नंबर्स ओपीसी बहुत कम है वो भी नंबर्स में पब्लिक कंपनी भी कम है सबसे ज्यादा जो चलती है वो कौन सी चलती है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑब्वियसली विद शेयर कैपिटल लिखिए इसको अनदर क्लासिफिकेशन इज देर कैन बी ए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी जिसके शेयर किसके पास हों गवर्नमेंट के पास एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे तो जो कंट्रोल करती है वो होल्डिंग जो कंट्रोल होती है वो सब्सिडरी और कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड हो इंडिया में बिजनेस करे तो फॉरेन कंपनी एक कंपनी की बीस परसेंट शेयर हमारे पास हो तो वो एसोसिएट और एक ही शेयर होल्डर हो तो उसको बोलते हैं ओ दीज आर समर टाइप्स ऑफ कंपनीज लिख सकते हैं नाम आप हम अभी पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा वॉट इज कंपनी अब हम पढ़ रहे हैं वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज Happy Valentine's Day. हेलो हैप्पी वसंत वसंत पंचमी पंचमी इज़ द डे जब सरस्वती जी की पूजा होती है राइट right? तो वो आप करना शुरू कर चुके हो सी इंटर के लिए अब लड़कों का इंटरेस्ट खैर पूजा श्रद्धा आराधना भक्ति आरती बहुत धार्मिक किस्म के लड़के नहीं कनेक्ट हो रहा है भाई साहब इंटरनेट आ हो गया वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप कि आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ओके okay. ये कुछ और टाइप्स है ओह इधर बंद हो गया तो सर ये इतने सारे टाइप हम लिख रहे हैं इनको हम पढ़ेंगे आ, तो फिर अभी सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं फिर बाद में एक एक करके हम इन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे भी सही द नेक्स्ट टाइप स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पहले वाली नहीं लिखी थी आपने ओके okay. लिखिए स्मॉल कंपनी छोटा काम करे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सपोज चैरिटी करने के लिए आपने बना ली डॉर्मेंट कंपनी बना तो ली पर अब चला नहीं रहे सुस्त पड़ी है इनेक्टिव है निधि कंपनी हाँ सब ये मुझे बड़ी अच्छी लगती सिलेबस तो ज्यादा है नहीं इसके बारे में कुछ बस डेफिनेशन ही पढ़ेंगे हम ये भी सब टाइप्स ऑफ कंपनीज़ है आपने ये तो पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है अब आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी कितने टाइप की होती है वही हम पढ़ रहे हैं स्मॉल डॉर्मेंट सेक्शन एट एंड निधि फिर इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और है जिसको मैं कहूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जिस तरह का फंक्शन बिजनेस कंपनी करती है उस तरह की हम उसको नाम दे दें जैसे जो कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करे उसको क्या कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोमबार्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बजाज आलियान्स ये सब प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज है जो कंपनी बैंकिंग बिजनेस करे उसको क्या कहेंगे बैंकिंग कंपनी और जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे उसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टाटा पावर रिलायंस पावर अडानी पावर सो मैनी पावर कंपनीज आर देर इंश्योरेंस कंपनीज बैंकिंग कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी तो सर फिर ऐसे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रेडिंग कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी फर्नीचर कंपनी भी बोलना चाहिए नहीं नहीं ये कुछ खास है इसलिए इनका नाम अलग से ले रहे हैं हम कुछ कंपनियां इतनी बड़ी होती है कि उनको बनाने के लिए अलग एक्ट बना देते हैं वो मना कर देती कि हम कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे इतनी बड़ी कंपनियाँ है ये जैसे आपको इंदौर से बॉम्बे जाना है तो एक रास्ता तो ये है कि आप एयरपोर्ट पर जाएँ और इंडिगो की फ्लाइट में आप मुंबई चले जाएं, ये तो हो गई एक रेगुलर कंपनी दूसरा रास्ता ये आप कह दो कि भाई साहब हम चार्टर्ड फ्लाइट में जाएंगे ये हो गई इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तीसरा रास्ता ये कि आप बोल रहे हो हमारा एयरपोर्ट अलग बनेगा <laughs> ये है कंपनी स्पेशल एक्ट भारत तो सरकार ने इनके लिए एक्ट ही अलग बना दिया बोले यार तुम कहां जनरल एक्ट पर रजिस्टर होते रहोगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वैसे भी भारत कानूनों का देश है बहुत कानून है इधर सर इन कंपनीज का नाम आप अलग से क्यों ले रहे हो क्योंकि नोट्स जब आप पढ़ेंगे लिखो पहले फिर आगे बताता हूँ उसमें सेक्शन नंबर वन उसमें हमने पढ़ा था दिस एक्ट में भी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013, इट अप्लाइज टू होल इंडिया इट्स डेट ऑफ एप्लीकेशन वेरियस सेक्शंस विल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ वेरियस डेट्स वो सब ठीक है लेकिन सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन नंबर वन पता है क्या कहता है कि ये एक्ट किस पर लगेगा क्या ये एक्ट एक पार्टनरशिप फॉर्म पे लगेगा नहीं लगेगा ये एक्ट तो किस पे लगेगा कंपनी पर हिंदू पर ये एक्ट लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल लगेगा। किस पे लगेगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस वाला उसके पहले वाला ये एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज बैंकिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर भी लगेगा क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड तो इसी एक्ट में होती है तो फिर सर अलग से बोलने की जरूरत क्या थी तूने ऊपर कह दिया था ना कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट तो अलग से ये नाम क्यों ले रहा है ये जो तीन तरह की कंपनियां है ना भले रजिस्टर इस एक्ट में होती है बट रेगुलेट इस एक्ट से नहीं होती है अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो रेगुलेट होगी द इंश्योरेंस एक्ट 1938 थर्टी एट भारत कानूनों का देश है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। बैंकिंग कंपनी इसका तो आप जानते हो एक्ट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर आर यू ट्राइंग टू से जो कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है हाँ

2013 के के उपर, Act में कुछ भी नहीं लिखा हो या उसको कितना देना है सपोज उसमें नहीं लिखा है तो टू दैट एक्सटेंट इस बैंक के ऊपर होगा यही बात इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के भी है और यही बात इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लेकर के भी कही गई है इज इट क्लियर और स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी को लेकर के भी यही बात की गई है कि रेगुलेट तो किससे होगी स्पेशल एक्ट से और कंपनीज एक्ट पर सिर्फ तभी लगेगा जब स्पेशल एक्ट साइलेंट हो सर मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं एक ही मुद्दे पर फिर हम किसके सुनेंगे बैंकिंग रेगुलेशन सुनेंगे ओके okay. चलिए तो अब हमने पूरी लिस्ट बना ली कि कंपनीज कितने टाइप की होती है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे सबसे पहला टाइप विच इज प्राइवेट कंपनी आप बताओ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं दो और मैक्सिमम कितने होते हैं दो सौ ठीक है क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है नहीं कर सकती तो आप ऑलरेडी जानते हो प्राइवेट कंपनी क्या है हम एक बार फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी हो एज मे बी प्रिस्क्राइब ये बहुत बड़ी बीमारी है कंपनीज एक्ट में और दूसरे एक्ट्स में भी सारी बातें यहां नहीं लिखते हैं क्या लिख देते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब आप लिखना शुरू कर सकते हैं साथ साथ में देर इज नो प्रॉब्लम ऐसे चार बॉक्सेस आएंगे चार कॉलम्स हैं सो माय फ्रेंड आस्किंग कि सर एसबीआई पर भी बैंकिंग एक्ट अप्लाई होगा भाई हम तो बैंकिंग एक्ट पढ़ नहीं रहे हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं पर आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूं उनका अपना अलग एक्ट है एस एक्ट नाइनटीन वो लगेगा उनके ऊपर एज मे बी प्रिस्क्राइब सवाल ये आया ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा हु विल प्रिस्क्राइब इट तो गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब इट कैसे प्रिस्क्राइब करेगी बाय मेकिंग रूल्स एक्चुअली जितने भी एक्ट बनते हैं उन सबके साथ में रूल्स बनते हैं जैसे द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट तो उसके साथ द पेमेंट ऑफ बोनस रूल्स जैसे ग्रेच्यूटी एक्ट उसके साथ बने ग्रेचुटी रूल्स प्रोविडेंट फंड एक्ट उसके साथ बने प्रोविडेंट फंड रूल्स ऐसे कंपनीज एक्ट के साथ भी क्या बने कंपनीज रूल्स अक्सर ही एक्ट में लिखा होता है कि व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बट हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल एस्पेक्ट वो सब कहाँ लिखे होते हैं रूल्स में सर तो ऐसा अलग करने की ज़रूरत क्या है सब कुछ एक्ट में लिख दो अरे सब कुछ एक्ट में लिखेंगे तो एक्ट इतना बड़ा बल्कि भारी हो जाएगा कि वो हमसे हैंडल ही नहीं होगा इसलिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट सारे कहाँ पर लिख दिए जाते हैं रूल्स के अंदर लिख दिए जाते हैं फिर एक्ट में अमेंडमेंट करना एक टफ प्रोसेस होती है जबकि रूल्स में अमेंडमेंट करना कंपेरेटिवली आसान होता है इसीलिए ये सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहाँ पे लिखे होते हैं रूल्स में सर तो फिर आप ये बता दो ना कि रूल्स में कितना कैपिटल लिखा है एक लाख पांच लाख दस लाख एक करोड़ अभी तक लिखा है नहीं है पगले लोग हैं जब यहां लिखा था तो एक्ट बनाने के साथ कम से कम लिख देना था कि मिनिमम एक लाख है पुराने कंपनीज एक्ट एक्ट 1956 वाले में नोटिफिकेशन था वहां बोल रखा था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम एक लाख और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम पांच लाख की कैपिटल बट नए कंपनीज एक्ट में लोग लिखना ही भूल गए तो सर फिर मिनिमम कितना है कुछ भी नहीं दो रुपए की बेट कैपिटल से आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो दो रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी और तुमने क्या बना ली प्राइवेट कंपनी सर दो रुपए कैसे यार कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए दोनों, दोनों मेंबर होना चाहिए मेंबर बनने के लिए कम से कम एक शेयर होना चाहिए एक शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू एक रुपए एक शेयर मैं ले लूं एक आप ले लें और बना लेते हैं एक प्राइवेट कंपनी बेट कैपिटल दो रुपए ओके okay. और दें शेयर ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन नहीं है शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है लिमिटेशन है ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते बट वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं जैसे इस रूम के अंदर एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं है रेस्ट्रिक्टेड है प्रोहिबिटेड कब हो जब ये दरवाजे दोनों बंद करके यहाँ भी दीवार बना दे आप अंदर बैठे हो उधर बाहर दीवार का काम शुरू और चारों तरफ दीवार ही दीवार अब जो अंदर है वो अंदर ही है और जो बाहर है वो बाहर है दिस इज प्रोहिबिटेड लेकिन दरवाजे हैं और आप लोग आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं पर हर कोई नहीं आ सकता फाउंडेशन का स्टूडेंट यहाँ आकर के नहीं बैठ सकता सड़क पे घूमता हुआ आदमी आकर के नहीं बैठ सकता है बस वैसा ही प्राइवेट कंपनी में भी है कि शेयर ट्रांसफर तो होते हैं बट अक्सर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं अक्सर ही नहीं हमेशा ही जैसे आप अपनी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या लिख सकते हैं शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू अ फीमेल दिस इज फीमेल ओनली कंपनी करंट फीमेल में नॉट सेल हर शेयर टू एनी मेल या आप कह सकते हैं ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम में कंपनी नॉन सी ए को शेयर नहीं बेचे जा सकेंगे या yeah, आप कह सकते हैं कि शेयर विल बी ट्रांसफर्ड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी शेयर बेचने हैं तो पहले जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सुना है आपने नाम

तो बोल रहे तू कौन बोले वो तरुण महाजन था बोले हाँ उसने शेयर मुझे दे दी अरे बोले ऐसे कैसे हम तो उसको जानते थे तुझे तो अरे आप सोचो आज आप अपने घर पे अपने दोस्त को भेज दो और फोन कर दो आज से मैं बेटा नहीं हूं इसको मान लो ऐसे कैसे नहीं हो सकता ना तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी में भी है पहले बोर्ड से पूछो कि क्या इस नए मेंबर की भर्ती कर लें कंपनी के अंदर वो हाँ कह दे तो फिर ट्रांसफर कर दो तो शेयर मैक्सिमम मेंबर्स 200 एक तो ये लिमिट ही बहुत लिबरल है सबसे पहली बात तो 200 की प्रैक्टिकली तो दो ही मेंबर होते हैं अगर देश में मान लो 15 लाख प्राइवेट कंपनियां हैं तो आई एम श्योर उसमें से कम से कम 14 लाख प्राइवेट कंपनियां ऐसी होंगी जिनमें दो ही मेंबर होंगे दोस्तों छोड़ो वो तीसरा भी नहीं लाते और कुछ कंपनीज में बीस तीस चालीस मेंबर हो जाते हैं ये जो आजकल स्टार्टअप कल्चर चला है तो पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वो नया मुर्गा पकड़ते हैं उससे पैसे ले लेते हैं फिर उसको भी खर्च कर देते हैं फिर नया ढूंढते हैं ऐसा चलता है इसलिए थोड़े मेंबर बढ़ जाते हैं अदरवाइज ये 200 की लिमिट तक तो लोग जा नहीं पाते हैं इट्स क्वाल लिबरल लिमिट सोचो आपके घर पे एक रेस्ट्रिक्शन हो कुछ लोगों के घर पे रेस्ट्रिक्शन होता, होता है ना कि भाई कट ऑफ टाइम होता है उस टाइम तक आपको घर में वापस आना है या उस टाइम के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते आपके पापा भी जोर से चिल्ला के सबको बता देंगे कि सुन लो मेरी परमिशन के बिना देर रात कोई घर से बाहर नहीं जाएगा जिसको भी घर से बाहर जाना है रात को दो बजे के पहले पहले चला जाए तीन बजे सॉरी तीन बजे के पहले उसके बाद अलाउड नहीं है फिर रात हो जाती बहुत वाह क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है काफी लिबरल है उस पर भी फिर पापा ये कह दें लेकिन अगर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है तो जा सकते हैं वाह पहले तो ये दोस्तों की लिमिट लिबरल थी ऊपर से इन्होंने तीन एक्सेप्शन दे दिए कि अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनको गिनेंगे एक एम्प्लॉय है तो उसको गिनेंगे ही नहीं और एम्प्लॉय अगर एक्स हो जाए एक्स एम्प्लॉय उसको भी नहीं गिनेंगे। लिखिए हाँ जी लिखा आपने अभी आपको ये बात पता है क्या कि पीपल कैन बाय शेयर्स ज्वाइंटली दो लोग या तीन लोग मैक्सिमम तीन लोग मिलकर के बैंक अकाउंट खोल सकते हैं डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं एफडी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं जॉइंट नेम में ये बड़ा चलन है अपने देश में जॉइंट नेम में तो बैंक अकाउंट खोलने जाओ तो अक्सर ही उसमें तो लिखा होता है ईदर और सर्वाइवर मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों में से कोई भी साइन करे चलेगा और अगर एक मर गया तो पैसा दूसरे को मिल जाएगा लाइक like दैट तो जॉइंट होल्डर्स का परंपरा है आपने आप पर उसमें एक शेयर सर्टिफिकेट खरीदते हैं उस पर तीनों के या दोनों के नाम आ जाते हैं बोलते हैं अगर एक प्राइवेट कंपनी में जॉइंट होल्डर्स हैं तो इस 200 के पर्पज से उनको अगर वो तीन है तो भी कितना गिनेंगे एक और अगर वो दो हैं तो भी कितना गिनेंगे एक और एक ही है तब तो ज्वाइंट होल्डर है नहीं एम्प्लॉ मेंबर्स अगर बंदा कंपनी में नौकरी भी करता है और साथ में उसके पास शेयर्स भी हैं उसको काउंट नहीं करेंगे देखो यार लॉ इज लॉजिक लॉ में अगर कुछ भी लिखा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड लॉजिक होगा अब लॉ मेकर लॉ बनाने के बाद में नीचे उनको लिख देना चाहिए ये सेक्शन है इसके पीछे ये सोच है लिख के नहीं जाते वो सोच अपने ही पास रखते हैं हमको सिर्फ सेक्शन देते तो मैं गैस करके बता सकता हूं लेकिन और पूरे एक्ट में मैं यही करूंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा एम्प्लॉय को काउंट नहीं करने के पीछे ये लॉजिक रहा होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो मधुर हो जाए उनके संबंध ऐसी सोच सरकार की होगी देर वॉज ए टाइम जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप बड़े बुरे होते थे अभी भी कोई हमेशा ही अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है बट पहले तो बहुत बुरे होते थे जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे अब पुराने जमाने की अमिताभ बच्चन के टाइम की पिक्चरें देखो अगर तो उसमें यही होता था कि जो मालिक है वो तो अमरीश पुरी या प्रेम चोपड़ा है और जो एम्प्लॉई है वो अमिताभ बच्चन है और फिर वो पैसे नहीं देता है और वो काम ज्यादा करा देता है और फैक्ट्री में वर्कर मर जाता है तो भी नहीं देखता है फिर ये सबकी पिटाई करता है यही टॉपिक था क्योंकि समाज की यही समस्या थी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने बोला यार ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फ्रिक्शन इतना चलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा तो कंपनीज एक्ट में भी वो स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट लाए स्वेट मतलब पसीना स्वेट इक्विटी शेयर मतलब पसीना बहाने वालों को दिए जाने वाले हैं शेयर्स वो ई सॉप का कॉन्सेप्ट लाए एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स आई इसमें ना एम्प्लॉयज को सस्ते में फ्री में शेयर दिए जाते हैं स्टार्टअप्स में तो यही चलता है आजकल टैलेंटेड बंदे को हायर कर लिया बोले यार देखो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ मैं नौकरी करूंगा कम से कम दो लाख रुपए महीना लूंगा मैं बोले इतने पैसे हमारे पास थोड़ी है तू पचास हजार रुपये महीना ले और थोड़े शेयर ले ले अच्छी मेहनत कर कल को स्टार्टअप चल गया तो तेरे ही शेयर दस गुना हो जाएंगे बोले हाँ हाँ ठीक है पैसे भी नहीं लग रहे और रेमेशन भी दे दिया एम्प्लॉयर भी खुश एम्प्लॉय भी खुश ऐसे सबको शेयर बांट रहे हो अभी शेयर बांटते बांटते बहुत सारे लोग हो गए तो 200 क्रॉस कर गए तो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस चला जाएगा तो कंपनी इस डर के मारे एम्प्लॉयज को शेयर देगी नहीं सरकार नहीं चाहती है कि वो इस तरह का कोई फ्रिक्शन खड़ा करे इसलिए उन्होंने बोल दिया कि बाटो एम्प्लॉयज को शेयर उनको तो हम गिनती में लेंगे ही नहीं एम्प्लॉय काउंटेड। पर सर एक प्रॉब्लम आएगी आज तो एम्प्लॉय है जो आज है कल एक्स हो जाएगा कल एक्स हो जाएगी एम्प्लॉय फीमेल भी हो सकती ना तो सर फिर फिर हम इनको क्या ये बोले कि शेयर बेच के जाओ ओ आई एम नॉट विजिबल हाँ वो मैं इनविजिबल हुआ था ताकि आप पढ़ सकें वहाँ क्या लिखा था ओके okay, तो आप इन शेयर्स को मजबूर थोड़ी कर सकते हैं कि अब तुम नौकरी छोड़ रहे हो तो शेयर भी बेचो इसलिए उन्होंने कह दिया कि एम्प्लॉय तो छोड़ो एक्स एम्प्लॉय को भी हम एज ए मेंबर काउंट नहीं करेंगे राइट right? लेकिन इसके पास शेयर होना चाहिए जब ये एम्प्लॉय था ऐसा नहीं कि इसने नौकरी छोड़ दी तब तक तो उसके पास शेयर ही नहीं थे फिर तीन साल निकल गए फिर इसने शेयर खरीद लिए फिर हम कह रहे हैं कि ये एक्स एम्प्लॉय मत गिनो इसको तो हम गिनेंगे ओके इसके पास तब शेयर होना चाहिए थे जब ये एम्प्लॉय था पहले दो सौ की लिबरल लिमिट थी ऊपर से और छूट दे दी कि मुझे समझ नहीं आता है क्यों करा ऐसा इन लोगों ने जहां छूट देना है वहां देते नहीं है जहां नहीं देना है वहां पे दे रखी पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड अगर आप अपने आप को प्राइवेट कहलवाना चाहते हो तो शेयर डिवेंचर का पब्लिक इश्यू नहीं कर सकते एक्स एम्प्लॉ काउंटेड पब्लिक इश्यू ऑफ प्रोहिबिटेड और ये बीच में लगे हुए प्लस साइन का मतलब कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है सारी कंडीशन फुलफिल कर सर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब आप आईपीओ एफपीओ शेयर्स डिवेंचर्स का लेकर के नहीं आ सकते सर ऐसा क्यों इसके पीछे क्या लॉजिक है अरे आप कह रहे हो कि मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो हाउ कैन यू यूज यू पब्लिक मनी सर पर कितने रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी पे मैं नहीं बनाऊंगा प्राइवेट कंपनी मैं तो पब्लिक कंपनी बनाऊंगा ताकि ये सब झंझट खत्म हो जाए भाई साहब ये छोटे छोटे से झंझट हैं, अगर ये कंप्लाई कर लिया आपने ये मान लिए तो कंपनी इज एड के ढेर सारे सेक्शंस आपकी कंपनी पर लगना बंद हो जाएंगे जगह जगह कंपनी में लिख दिया उन्होंने कि दिस सेक्शन इज नॉट अप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी क्यों अरे इनका तो घर का पैसा है अपने पैसों से बिजनेस कर रहे हैं इनको ज्यादा वॉच करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा जो मन पड़े करो डुबा लो तुम्हारी कंपनी लेकिन जो कंपनी पब्लिक एड से पैसा ले ले करोड़ों रुपया उसके बाद में आपको क्या लगता है उसको ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है या कम उसके ऊपर पूरे 470 सेक्शन लाद देंगे हम बट तो जैसे ही आपने यहाँ आप प्राइवेट थप्पा लगाया आपने ऊपर बहुत सारे सेक्शंस आपके ऊपर लगना ही बंद हो जाएंगे छोटी छोटी सी शर्तें मान लो और बहुत सारे सेक्शन से बच जाओ इसलिए मैंने कहा देश में अगर नंबर ऑफ कंपनीज देखें तो सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी है प्राइवेट कंपनीज डाउट वॉट इज पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी मीनस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी वा सर वॉट डज इट मीन इट मीन्स की अगर एक प्राइवेट कंपनी सारी शर्तें मान रही हो लेकिन उसके नंबर ऑफ मेंबर्स दो सौ एक हो जाए तो फिर इट इज नो मोर ए प्राइवेट कंपनी सर ये प्राइवेट नहीं रही ये तो कहीं की नहीं रही नहीं ये प्राइवेट नहीं रही मतलब ये पब्लिक हो गई इफ इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी देन इट इज अ पब्लिक कंपनी ये सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर टू में ही दी हुई है या फिर अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाए तब भी वो प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट में और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी okay. yeah, sure. है सेक्शन टू क्लॉज सेवेंटी वन डू यू मीन बाय दिस कैन यू गिव एन एग्जांपल यम श्योर एक कंपनी है ए लिमिटेड क्या लगता है इसके नाम से पब्लिक है कि प्राइवेट है एक दूसरी कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड क्या लग रहा है प्राइवेट है ए लिमिटेड के पास बी प्राइवेट लिमिटेड के सेवेंटी परसेंट शेयर्स है तो बताओ क्या बी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है ए इज होल्डिंग सेवेंटी परसेंट शेयर इन बी इज बी सब्सिडरी ऑफ ए हाँ या ना हाँ वेरी मच हाँ सो इज होल्डिंग बी इज सब्सिडरी होल्डिंग इज अ पब्लिक कंपनी सब्सिडरी इज अ भले ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आज भी वो सब शर्तें लिख करके बैठी हो जो प्राइवेट कंपनी के लिए थी भले ये अपना स्टेटस क्या रखे प्राइवेट बट इट विल बी डीम टू बी पब्लिक ऑन रिकॉर्ड भले यह प्राइवेट कंपनी की तरह चलती रहे लेकिन इसको ट्रीट कैसे कर रही है पब्लिक कंपनी की तरह मतलब इसको कोई एग्जामशन नहीं मिलेंगे प्राइवेट कंपनीज वाले इसके ऊपर पब्लिक कंपनी वाले सारे सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएंगे प्लस या तो ये है इसके अलावा एक चीज और एक कंडीशन और है ये तो और है एक एंड भी है इट मस्ट हैव मिनिमम कैपिटल है सर कहां प्रिस्क्राइब होगा रूल्स में कौन बनाएगा रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगी हमको कि रूल बन गया है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट फिलहाल कितना लिखा है सर कुछ भी नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ में कोई लिमिट नहीं है सर मैंने एक बार प्राइवेट बना ली थी पर बिजनेस बहुत बड़ा हो गया श्योर बाई चेंजिंग आर्टिकल ऑफ हाउ डू यू मेकनी बाई राइटिंग इट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो सौ से ज्यादा में कसम खाता हूँ में दो सौ से ज्यादा नहीं होंगे पब्लिक को शेयर डिवेंचर इशू नहीं करूंगा शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा मिनिमम पेड अप कैपिटल की शर्त पूरी करूंगा सारी कसम खाई थी आपने खाई हुई कसम हटा दो प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी पब्लिक नेक्स्ट इज वन परसेंट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वन एंड दैट वन पर्सन मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन टेल ते मी वन थिंग की कि क्या किसी प्राइवेट कंपनी में कोई दूसरी कंपनी मेंबर बन सकती है कैन ए प्राइवेट लिमिटेड होल्ड शेयर्स इन बी प्राइवेट लिमिटेड कैन ए प्राइवेट लिमिटेड होल्ड शेयर इन बी प्राइवेट लिमिटेड फॉर श्योर बिल्कुल इट मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन ए लिमिटेड होल्ड शेयर इन बी लिमिटेड क्या एक पब्लिक कंपनी में कोई आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर बन सकता है हाँ प्राइवेट कंपनी में भी इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर दो प्राइवेट कंपनी है एक का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड दूसरे का नाम है बी प्राइवेट लिमिटेड दोनों जाए आर के पास और बोले कि हम एक तीसरी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका नाम है सी प्राइवेट लिमिटेड और सी प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ दो ही शेयर होल्डर हैं एक का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड और एक का नाम है बी प्राइवेट लिमिटेड इज इट अलाउड ऐसा हो सकता है क्या गेस करो चलो आपको नहीं पता है चलो वैसे तो पता होना चाहिए पर नहीं पता है तो गेस तो करो सी प्राइवेट लिमिटेड में केवल दो मेंबर हैं एक का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड एक का नाम है बी प्राइवेट क्या ऐसा हो सकता है ऑनलाइन वाले भी हाँ ना कुछ तो बोल दो तो, नालायकों लायकों हाँ हाँ वेरी हा, मच सिमिलरली सात कंपनियां मिलकर प्राइवेट पब्लिक कंपनी के मेंबर बन जाए देर मे बी ए पब्लिक कंपनी जिसका एक भी मेंबर नेचुरल पर्सन नहीं है सारे के सारे कैसे हैं आर्टिफिशियल अलाउड है ये लेकिन ओपीसी में जो इकलौता मेंबर है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है दैट मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन सर उसको मेंबर बना लें क्या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया नहीं, वो तो कौन है रोबोट चलो आपने देखी नहीं होगी नई मूवी है चिट्टी को, को नहीं वो नेचुरल पर्सन नहीं है जिसका बर्थ नेचुरल 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 है है वो नेट्रल है डेथ वो से भी नहीं काम चल रहा है इनका इनको चाहिए इंडियन सिटीजन सर तो ओपीसी में लिखने की क्या जरूरत है अच्छा क्या प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कोई फॉरेन सिटीजन मेंबर बन सकता है जो बाइडेन इंडिया की अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दस शेयर खरीद ले अमेरिकन सिटीजन अमेरिकन प्रेसिडेंट वो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो हाँ खरीद सकते हैं कोई भी कोई भी फॉरेन सिटीजन इंडियन कंपनीज के शेयर खरीद सकता है फॉरेन कंपनीज भी खरीद सकती है बट ओपीसी का जो इकलौता है ना दैट मस्ट बी इंडियन सिटीजन आया क्या एक प्राइवेट कंपनी कंपनी पब्लिक के शेयर होल्ड कर सकती है जवाब है हाँ फिर ऐसे में एक दूसरा सवाल भी आता है अभी तो क्या आप लोग सवाल कम पूछते हो तो पर मुझे मालूम है कि मुझे एफ पता है ना फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन इतने सालों में ये तो बता ही है कि स्टूडेंट क्या पूछता है तो चलो आप नहीं पूछ रहे हो तो आपके बिहाफ पे मैं ही पूछ लेता तूने बोला कि एक प्राइवेट कंपनी कंपनी पब्लिक कम्णी के शेयर खरीद सकती हाँ हाँ मैंने बोला मैं थोड़ी मना कर दू सपोज तू ये बता कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के 70 परसेंट अस्सी परसेंट शेयर खरीद ले तो फिर तो प्राइवेट कंपनी होल्डिंग और पब्लिक कंपनी सब्सिडी बन जाएगी हाँ बन जाएगी तो तू ये बता कि अगर एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग है और पब्लिक कंपनी उसकी सब्सिडरी है तो क्या पब्लिक कंपनी कंपनी भी अब प्राइवेट बन जाएगी ना पब्लिक पब्लिक ही रहेगी प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगी उनकी स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फिर एक सवाल जो स्टूडेंट कभी पूछते ही नहीं है वो मैं पूछ लेता हूं ऐसा होता है क्या हाँ ज़्यादा करके क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज ही बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनियों के शेयर होल्ड करके बैठी हुई है टाटा सन्स उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसके अंदर बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लिए ग्रुप ऑफ कंपनीज लोग ऐसे ही तो चलाते हैं होता है आप देखो ऐसा होता है करके तो सोचो मत दुनिया में ना सब कुछ ही होता है इसीलिए लॉ में ये सब लिखा है नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन अभी लॉ पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि चाहे वो रेसिडेंट हो या वो रेसिडेंट ना हो हाँ तो मतलब फेमा के हिसाब से फेमा सुना है ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके हिसाब से बंदा रेसिडेंट नहीं भी हो तो चलेगा इनकम टैक्स एक्ट में भी रेसिडेंट की डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बंदा रेसिडेंट ना भी हो तो चलेगा हमको रेसिडेंट चाहिए उतना रेसिडेंट कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक दिन इंडिया में रहा हो कितना रहा हो इंडिया में 120 दिन फिर चाहे वो किसी और एक्ट के डेफिनेशन में रेसिडेंट काउंट होता हो या न होता हो हम पिछले 120 दिन नहीं बोल रहे हैं। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन कह रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 120 दिन रहा था तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो किसी ओपीसी का मेंबर बनना चाहे तो बन सकता है पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो वो नहीं रहा था पर इस ईयर में अभी वो 120 दिन रह लिया है पर अब वहाँ जो टेस्ट लगाई है देखो ओपीसी पी के डेफिनेशन में मैं आपको एग्जैक्टली exactly पढ़ के बताता हूँ अच्छा टाइम हो गया क्या अपना ठीक है तो इस पे चर्चा फिर हम लोग कल कर लेंगे ओके विल कंटिन्यू इट टमोरो अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन इसको साथ साथ में पढ़ते जाइए आप यू यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड गेट इशूड नोट्स और नोट्स में से पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं